हाँ जी, पेपर डिस्कशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो तो बताओ, हम क्वेश्चन नंबर बोलते जाएंगे, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आपको आप बताइएगा, ठीक है। आंसर की 46 का 2 जल्दी जल्दी मिलाओ, 46 का 2, 47 का 1, 48 का 1, 49 का 4, 50 का 2, 51 का 3, 52 का 4, 53 का 4, 54 का 3, 55 का 2, 56 का 1, 57 का 3, 58 का 4, 59 का 2, 60 का 2, 61 का 3, 62 का 3, 64 का 2, 63 का 2, 64 का 3, 65 का 1, 66 का 1, 67 का 2, 68 का 4, 69 का 1, 70 का 3, 71 का 3, 72 का 4, 73 का 2, 74 का 1, 75 का 3, 76 का 2, 77 का 2, 78 का 4, 79 का 2, 80 का 3, ठीक है, 81 का 1, 82 का 2, 83 का 3, 84 का 3, 85 का 4, 86 का 4, 87 का 4, 89 का 4, 88 का 4, ठीक है, 89 का 3, 90 का 2, किसी का कुछ बचा? किसी का? हाँ, 58 का 4, 58 का 4, 66 का तुम्हारा 1, 58 का तो बताए 4, 69 का 1, 72 का 4, 73 का 2, 83 का 3, 80 का 3, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 क्या बोलता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्टली गिवन फॉर, ठीक है, कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है किसमें करेक्ट है, ठीक है। तो बाकी सब में यदि तुम देखोगे, जैसे कि तुम्हारा ए वाला ऑप्शन है तो CO, ठीक है, ये कोबाल्ट है जी, कोबाल्ट, ठीक है, NH3 का होल 5, ये Cl, और ये तुम्हारा आ जाएगा Cl2। यहाँ पे NH3 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, NH3 में कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है, NH3 क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक। तो यहां से तुम क्या देखोगे? NH3, तो तुम इसको क्या मानो? X, और हाइड्रोजन क्या करता है? प्लस वन, हाइड्रोजन का क्या होता है? प्लस वन ना, बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? X प्लस और इंटू कितना हो जाएगा? 3, तो हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0, तो X बराबर क्या आएगा? -3, इज दैट क्लियर? क्या उसी तरीके से तुम बी और सी का भी तुम निकालोगे? बी का जब निकालोगे ना तो बी का तुम्हारा आएगा -1 जी, और सी का तुम निकालोगे तो आएगा -2, और डी का निकालोगे तो आएगा -3, इसी तरीके से निकालना है, ये तो नॉर्मल सा है, ठीक है। तो आप देखो ना, Mg3N2, ठीक है, तो
इसका मानो एक्स और एम जी का क्या होता है प्लस टू होता है ना, तो प्लस टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा प्लस सिक्स। अब प्लस सिक्स यानी कि एक्स टू एक्स एन टू दो है ना, तो टू एक्स और प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस थ्री। फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू हाँ फिफ्टी वन या फिफ्टी टू फिफ्टी वन वैल्यूज P, Q, R, S, and T in the following redox reaction are respectively. ये तो balanced करना है, ठीक है balanced करना है। अब बोल रहा है कि हम direct balanced करके लिखते हैं, ठीक है actually है क्या Br2, ठीक है plus OH minus, ठीक है और ये Br minus और ये हो जाएगा तुम्हारा Br O3 minus और साथ ही साथ हो रहा H2 ओ, ठीक है। अब इसको बैलेंस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे थ्री, ये आएगा सिक्स तुम्हारा, ठीक है ये आएगा फाइव, ये आएगा वन और ये तुम्हारा आ जाएगा थ्री, ठीक है। अब तुम चेक कर लो ना, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तुम्हारा रहेगा, मतलब क्या हो गया वन हो गया। अब एटम्स तुम मिला लो, देख लो सारा चार्ज वगैरह सब बैलेंस तुमको मिलेगा, ठीक है समझ में आया। देखो ना ब्रोमीन कितना हो गया टोटल चार, सॉरी तीन दूना छह, यहाँ पे ब्रोमीन पांच और एक कितना हो गया छह, समझ में आया। उस तरीके सारा तुम मिलाओ तुमको एग्जैक्ट मिलेगा 52 53 52 52। क्या बोलता है 52 तुम्हारा बोलता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Fe प्लस टू, ठीक है ऑक्सीडाइज्ड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम विल बी, यानी कि बोलता है ना कि रेशियो क्या होगा, ठीक है किसका मोल्स ऑफ Fe प्लस टू का, यदि हम ऑक्सीडाइज करेंगे किसके साथ किसके प्रेजेंस में, तो इक्विमोलर KMnO4, KMnO4 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है उसी प्रकार से K2Cr2O7 भी क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Fe प्लस टू को, ठीक है यदि हम ऑक्सीडाइज करेंगे इक्वल वॉल्यूम के साथ इन दोनों के साथ, तो दोनों का ये क्या होगा रेशियो क्या होगा, मतलब KMnO4 के साथ क्या रेशियो होगा, KMnO4 एंड K2Cr2O7 के साथ दोनों के साथ उनका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में होंगे, यानी K2Cr2O7 के साथ करेंगे तो कौन सा रेशियो में होगा कितना वो होगा उसका, और इसके यदि हम KMnO4 के साथ करेंगे तो फिर कितना तुम्हारा ये होगा, ठीक। अब जैसे देखो कि Fe प्लस टू, ठीक है Fe, ठीक है ये तुम्हारा टू यानी कि वो प्लस टू, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला, तो ये कब ऐसा बनेगा जब तुम्हारा, ठीक है Fe मतलब यहां से ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं, अरे बोलो लॉस ऑफ, ध्यान में रखना LO, ठीक है GR लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इज दैट क्लियर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा रिडक्शन, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आया, और जो रिड्यूस हो रहा है उसको जो भी रिड्यूस कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आया हम क्या बोले हैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे, तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, ये हो गया है Fe3 तीसरा वाला शो कर रहा है और ये साथ ही साथ क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये टू का मतलब क्या हो गया इसका मतलब तुम्हारा हो गया Fe+2, ठीक है और इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा Fe+3, इज दैट क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है तो क्या हुआ तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, ठीक। अब कहता कि ठीक है इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe, ठीक है इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2, ठीक है बराबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा मोलर मास, ठीक है बराबर क्या होगा तुम्हारा मोलर मास। अब MnO4 ये MnO4 माइनस, ठीक है माइनस प्लस 8H+, ठीक है और क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन और ये तुम्हारा हो जाएगा Mn+2 और +4H2O, ये तुम्हारा होगा इस तरीके से, ठीक है KMnO4
तो क्या बचेगा, MnO4 माइनस, यही बचेगा ना, KMnO4 जो है यही है ना, KMnO4, तो इसका क्या होता है, K प्लस होगा ना, और ये बचा क्या, MnO4 माइनस, बात समझे, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, MnO4 माइनस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा, Mn प्लस 2, ठीक, और साथ ही साथ कितना बचा, प्लस 4H2O, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तुम कि इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है, KMnO4 बराबर मोलर मास, मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, 5, कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, ऐड हो रहा है 5 ना, तो इस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 तुम्हारा, ठीक है। अब यहां से देखो, अब Cr, ठीक है, Cr2O7 माइनस 2, अब इसका हो गया, ठीक है, अब इसका आ रहे हैं, ये वाला का आ रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा 14H प्लस, प्लस हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2Cr प्लस 3, ठीक है, और साथ ही साथ हो जाएगा 7H2O, 7H2O तुम्हारा होगा, ठीक है। अब फिर ये वाला पॉइंट लिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन कितना, कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, 6 ना, जैसे इसका 5 निकला था तो 5 किया था, तो इसका 6 निकला, तो इसका क्या करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हारा, अब यदि हम कहें, थोड़ा सा और जगह चाहिए, अच्छा ठीक है, यदि हम कहें कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है, इन किस में दिया है, इन वी वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, वी लीटर, कितना लीटर ले रहे हैं, वी लीटर ले रहे हैं, ठीक है, ऑफ ऑफ एक्स एम, कितना है कॉन्सेंट्रेशन, ये नहीं पता तो हम क्या मान लिए, एक्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता क्या मान लिए, एक्स, तो बताओ फिर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इसका, 5, यहाँ 5 आया था ना, बोलो 5 था ना, तो अरे KMnO4 के लिए कितना लिए थे, 5 ही है ना, तो 5 ये हो जाएगा 5xv, ठीक है, 5xv, और ये इज इक्वल टू होगा तुम्हारा मोल ऑफ Fe टू ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, यानी Fe2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 का कितना लगेगा, 5x, समझ में आया, इसका इतना लगेगा। तो क्या बताओ, उसी प्रकार से सेम यदि हम जाएं किसका, K2SO4 का, तो कितना लगेगा, 6 लगेगा ना, K2SO4 का कितना लगेगा तुम्हारा, सॉरी हाँ, K2Cr2O7 के लिए क्या लगेगा तुम्हारा, 6 लगेगा, ठीक है। अब सेम लाइन लिखना, K2SO4, ठीक है, इन V लीटर ऑफ, ठीक है, XM बराबर क्या हो जाएगा, 6XV, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6, ठीक है, रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6, 53, 54, 55, 56 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन देखो किसके साथ हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो है वहां उसका प्लस 2 है क्या, और अगले वाले में देखो तुम्हारा क्या हो गया है, प्लस 1 हो गया है, तो उसका क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसका रिडक्शन हुआ है ना, और आयोडीन जो था उसका माइनस 1 है वहां, और फिर हो गया है 0, इसका मतलब क्या किया है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, सी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे BA जो है, देखो BA वहां पे भी प्लस 2 है और अगले वाले में भी प्लस 2 है, BaSO4 में, SO4 का माइनस 2, SO4 का माइनस 2 होता है, ठीक है, SO4 का माइनस 2 हो गया, तो बगल वाले BA का क्या होगा, प्लस 2, ठीक है, फर्दर BaCl2 में देखो, एक क्लोरीन का माइनस 1, तो दो क्लोरीन का माइनस 2, तो BA का प्लस 2, कॉमन ही तो है,
चेंज हुआ क्या, समझ में आया? चलो नेक्स्ट 57। हम जब 59 बोलेंगे तब बोलना 59, नहीं तो फिर 71 वाला भी तो कहीं कुछ कोई होगा, ठीक है? हाँ बोलो। 57 कहता है कि हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट सो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? अच्छा 57, what will occur if a block of copper metal is deposit drop into a beaker containing solution of 1 mZnSO4? copper ka jo beaker hai ye hai block hai wo kisme dal denge? ZnSO4 mein, batao kya hoga? No reaction takes place. Reactivity series mein copper jo hai wo niche aata hai, class 10 mein bhi padhe hoge, psc magital, theek hai, padhe the na? to uske baad yani ki jo upar wale जो है ना, जैसे कि पोटासियम हो गया, ये पढ़े थे ना, पी एस सी में जी, ठीक है, टी एल, और यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कॉपर, ए जी ए यू, और उसके बाद पी टी। पी का मतलब क्या है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, ए जी ए यू पी टी, ठीक है? जो ऊपर वाले, ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को क्या कर सकता है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ये तुम पढ़े होगे, किस में, क्लास 10 में, है ना? तो जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वो कम रिएक्टिव वाले को करेगा, इन कम रिएक्टिव वाले ज्यादा वाला को नहीं करेगा, अंडरस्टूड? कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलो 59 क्या बोलता है, इन अ रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू मोल्स ऑफ HNO3, द पॉसिबल प्रोडक्ट आर ऑब्टेंड ड्यू टू द रिएक्शन, कौन सा होगा जी पॉसिबल प्रोडक्ट? ट्रांसफर टू जो है ना, ट्रांसफर टू 0.1 हमको लगता है मोल है, ट्रांसफर टू 0.1 मोल होगा हमको लगता है, ठीक है? इसका यदि तुम देखोगे तो क्या बोल रहा है तुम्हारा, HNO3 का है ना, HNO3 में, रुको मिटाते हैं थोड़ा इसको, HNO3 में, ठीक है? यदि तुम यहां देखोगे कौन सा क्वेश्चन था जी, हाँ ठीक है, HNO3 में तुम्हारा H कितना, N कितना है, +5 है ना, ठीक है? यही बोल रहा है ना कि यदि 4 मोल हम लोग लेते हैं, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 मोल को हम क्या मान लेते हैं, 4e, ठीक है? एक मोल को 1 मानकर चलते हैं, 4 को 4 मान लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा, ठीक? अब क्या बोलता है, देखो जी समझो जरा सा कि ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n कितना का चेंज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, 4 इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे है, तो कितना का चेंज आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना जी, यहां पे नाइट्रोजन कितना शो कर रहा, +5, 4 इलेक्ट्रॉन मान लो उसको मिल गया, तो कितना का चेंज आएगा, 4 का चेंज आएगा? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो, 4 का ही चेंज आएगा ना, अरे बोलो, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन इज तुम्हारा 4 आ जाएगा, 4 का चेंज आ जाएगा, ठीक है? चेंज तुम्हारा 4 का आएगा, देयरफॉर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका बोल रहा है, नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा जी बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन मिला तो अब क्या बचेगा, +1 बचेगा, +1, ठीक है? अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर इन N2 क्या होगा, 0 होगा ना, ठीक है?
ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है ऑफ नाइट्रोजन इन एन टू ऐसा लिखते हैं। अब देखो अब जो क्वेश्चन के आधार पे दे रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इन एन टू ओ, एन टू ओ में कितना हो जाएगा प्लस वन, माइनस कहां से बोल रही, एन ओ टू इसमें कितना आएगा प्लस फोर और बाकी एन एच थ्री में कितना आ जाएगा प्लस थ्री, तो पॉसिबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, यही होगा ना, नहीं समझे, चार इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितना बचा, एक ही बचा ना प्लस वन, तो प्लस वन किसका होता है, किसका होता है, तो पॉसिबल प्रोडक्ट तुम्हारा कौन बनेगा बोलो, एन टू ओ, आप एन टू ओ ऑप्शन एक ही है, बी है केवल, तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन में नहीं है, और इसको और सॉल्व करना चाहते हो, मान लेते हैं सब जगह इस तरीके से रहता, दो ऑप्शन रहता है एन टू ओ का, एन टू ओ वाला तो एक ही ऑप्शन है ना, लेकिन वैसा दो रहता तब फिर क्या करते, तो दो मोल तुम्हारा टू एन एच एच एन ओ थ्री बराबर तुम्हारा क्या हो जा रहा है इक्विवेलेंट टू एन टू ओ, ठीक है, तो फिर एच एन ओ थ्री बराबर क्या हो जाएगा 0.5 एन टू ओ, ये देखो हाफ ही होगा ना उसके रेस्पेक्ट में, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0.5 मोल्स ऑफ एन टू ओ इस प्रोडक्ट, ठीक है 0.5 मोल ऑफ एन टू ओ इस प्रोडक्ट। अरे इसका आएगा माइनस टू, एन टू अलग थोड़ी है कहीं पे, वो जुड़ा है ना, बॉन्ड बनाया है ना, तो फिर बॉन्ड कैसे बनाएगा, हाँ एक एन, एक नाइट्रोजन का प्लस वन है, माइनस टू, हाँ अरे टोटल का जीरो है ना, हमको एक का पूछ रहे हैं, एक का H2O में ऑक्सीजन का कितना, कैसे, हाँ लेकिन कैसे इसके बेसिस पे तुम चलोगे तो वहां भी जीरो, सबका जीरो फिर, नहीं समझे, यहाँ पे तुम बोले कि सर इसका माइनस टू इसका आ रहा प्लस टू, तो दोनों कैंसिल करके जीरो लिखो, तो हम बोले वाटर का उसका, तुम बोल रही माइनस टू, हाइड्रोजन का प्लस टू, तो कैंसिल करके जीरो लिखो, फिर सबका जीरो, रेडॉक्स रिएक्शन सब ला, ठीक है समझ में आया क्या बोले हम, हाँ चलो नेक्स्ट आ जाओ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जो अंडरलाइन किया हुआ है, किसका नहीं तुमसे निकला वो बताओ, किसी का नहीं निकला, एफिसियन, देखो उसमें एफ का निकालना है ना, बताओ साइनाइड का कितना होता है माइनस वन, समझ में आया, साइनाइड का तुमको नहीं पता था ना, अब हम साइनाइड का बता देते हैं माइनस वन, तो माइनस वन इंटू फाइव कर देना, अब निकालो निकल जाएगा, निकलेगा ठीक, चलो 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 क्या बोलता है, when a मैग्नीशियम सॉल्ट इज फ्यूज्ड विद अ मिक्सचर ऑफ KNO3 एंड सॉलिड NaOH द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn चेंजेस फ्रॉम 2 टू, ठीक है, अच्छा क्या बोला कि देखो MnO प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है ना, अच्छा ठीक है नहीं पता है तो देख लो, अब पता होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये MnO, ठीक है, और कौन लिया है NaOH भी लिया है सॉलिड और KNO3, तो KNO3, अच्छा NaOH NaOH और साथ ही साथ क्या लिया KNO3, अब इसका होता है प्लस टू, ठीक है, अब ये रिएक्शन इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है,
ठीक है। अब इसका ये रिएक्शन ही पता होना चाहिए था, रिएक्शन नहीं पता होगा तो फिर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा KMnO4 और प्लस हो जाएगा तुम्हारा पानी, ठीक है, ये होगा तुम्हारा। तो Mn का कितना हो जा रहा है यहाँ पे, प्लस 7, ऑक्सीजन का माइनस 2 गुना 4 8, और एक ये प्लस तो करेगा तो बचेगा कितना, प्लस 7। और रिएक्शन पता होता तब बनता। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। जाओ बगल वाले क्लास से पूछो कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, क्वेश्चन नंबर लिख के लाओ, आप लोग भी बैठे रहे हैं, जल्दी जाओ। हाँ टाइम टाइम एकदम करेक्ट है, उतना ही हो रहा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, गजब मस्त शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चलो लेकिन फिर भी यदि तुमको कोई दिक्कत हो, यहाँ पे तुम बोलने में चूक गए हो शर्म लिहाज के कारण, तो आके पूछ सकते हो। चलो थैंक यू सो मच, और कल पढ़ के आना जीओसी वाला, ठीक है, जो कहे ऑर्डर याद करके आना, समझ में आ गया ना, नहीं तो कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा।